गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी बारिश हो रहा है और मैं जा रहा हूँ खेत को, और अभी बज चुके हैं 8। तो आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, बट बारिश बताई हुई थी, बट बादल वगैरह नहीं है। कल और परसों भी है अभी बारिश। तो फटाफट अपना निकालते हैं साइकिल। तो अभी हमने साइकिल निकाल लिया, तो चलते हैं। अब पानी और चाय की बोतल ले लिए। आके हमारा काम स्टार्ट हो गया है। कल मैंने जाने से पहले इसको पानी लगा दिया था पूरे यहाँ पे, जिधर पंजाबी कहने बेड़ा। तो ये भी हमारा बेड़ा है, तो बेड़े को मैंने पानी लगा दिया था। जो आंगन होता है ना, आंगन को पंजाबी कहने बेड़ा। तो मैंने इसको कल पानी लगा दिया था, तो अभी भी सूख चुका है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और रातों रात सूख गया पानी। मैंने बिल्कुल ऐसे पूरा, जैसे ये गीला है ना, ऐसे पानी दिया था, तो बिल्कुल सूख चुका है कि मैंने पानी दिया ही नहीं, ऐसे लग रहा है। तो बाबा इधर ये जहाँ भी पालक लगा था, पालक भी फाड़ दिया, उसको बीज लग गया था, और आगे फूल दो क्यारे, तो दोनों को भी हमने फाड़ के फेंक दिया, क्योंकि अब ये सर्दियों वाले फूल थे, तो अभी गर्मी आ चुकी है, हम सूखने लगे हैं। अब जितना मर्जी पानी दे लो इनको, ये ऊपर से सूख ही जाते हैं, ऐसे वाइट वाइट से हो जाते हैं। तो इसको उखाड़ के फेंक देखे, क्योंकि करेले की बेल भी इधर को चल रही है, और आधी बेलें इधर को चल रही हैं, आधी बेलें उधर को चल रही हैं। तो ये जगह हमने जो स्पेस घिरी हुई थी उसको साफ कर दिया है। एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात कि घर पे आप जब भी पौधे वगैरह लगाते हो ना, अगर बैंगन पहले लगाए हैं, मिर्च लगाए हैं, वहाँ पे मत लगाओ। जहाँ पे आपने नहीं लगाए हैं ना, यहाँ पे जगह, जिस जगह नहीं लगाए हैं, उस जगह लगा के देखो, और उसका झाड़ मतलब फल वगैरह बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि यहाँ पर आप पहले ही लगा देते हो ना, उस जगह से वो बैंगन जैसी भिंडी, वो साल के बाद उस जगह नहीं लगाना चाहिए, साल, दो साल, तीन साल बाद फिर लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से वो अपने तत्व वगैरह सारे चूस लेते हैं, मतलब खींच लेते हैं सारा कुछ, तो वहाँ पे वो फिर से नहीं होते अच्छी तरह। अगर आप अच्छी तरह फसल लेना चाहते हो, तो उसको जगह उसकी चेंज करो, और फल बहुत ही अच्छा आएगा। तो अभी टी टाइम हो चुका है, तो अभी टी टाइम बाबा को हो गया। मैंने चाय दे दिया, चाय मैं भी पीता हूँ, बहुत कम पीता हूँ, मतलब मैं ज़्यादा रोज़ तो पीता नहीं हूँ, रेगुलर अगर मैंने पीनी हो तो मैं खुद से बनाता हूँ, लौंग, इलायची, तुलसी वगैरह डाल के, ताकि खुशबू आए, और अदरक वगैरह डाल के गले को भी लगती जाए चाय, और अच्छा मज़ा आए चाय पीने का। तो अभी मैंने नीचे इधर पानी लगाया है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है इसके साथ। तो अभी 11:30 हो चुके हैं, बाबा अपना काम कर रहे हैं उधर, अभी बज चुके हैं 1। तो अभी चलते हैं घर को, और मिलते हैं वानिक से, और अभी नहा के रेडी होके बैठा होगा। तो अभी मैं आ चुका हूँ खेत में, और अभी बच गए हैं 2:15। तो बाबा निकाल रहे हैं घास, बाबा इधर निकाल रहे हैं घास। तो अभी बच गए हैं 5, पापा को फ़ोन करते हैं कि खेत में आ जाएं, और मेरे को धोनी है गाड़ी। तो पापा गए हुए हैं मार्केट, तो प्लान कैंसिल, तो कल मॉर्निंग में धो लेंगे कार को। तो बानिक आ चुका है खेत में नानी के साथ, मौसम बहुत ठंडा है, खुश हो रखा है। क्या बहू बहू
ये क्या देसी कुत्ता है, हैं कब रहती है यो? साहब हमारे खेत में आ गए आज, चलो फिर। हाँ क्या चेकलू चला लो, चलो अभी इसने ककंबर खाया खीरा। हाँ जी चलिए पी चलिए, डॉगी की दिखा था मानू, डॉगी की दिखा था बनू ये गधे को भी बाप बना लेते हैं, हैं किदा गधे को भी बाप बना लेते हैं किदा ये वो लोग हैं कौन से, ये गधे को भी बाप बना लेते हैं किदा गधे को भी बाप बना लेते हैं को बाय गधे तू को चल ले अच्छी। तो आज वाइट वाइट हो रखा है इसके, ये सूट सब दादी लेके आए हैं इसको क्या अब जी दी गड्डी तैयार है, बाय बाय करो, बाय बाय। यहाँ पे दूध के कारण ना बहुत मक्खियाँ हैं, तो जाओ करो ना टाइम सेर। बाय 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 बाय। तो खेत से आके मैंने चेंज किया, तो अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट साइड। तो गाइस अभी खाना वगैरह खा के, हमने खाना खाया था 9:30, तो अभी बज चुके हैं 11। आज बने हुए थे चावल और दाल, तो बनाने की भी अभी सोया है। तो चलो इस ब्लॉग का करते हैं अभी एंड, मिलते हैं आपको मॉर्निंग में। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो वानिक आया हुआ है घर पर, बहुत सारी रौनक लगी रहती है, दिल लगा रहता है। तो प्लीज़ आप भी कमेंट करके बताएं कि आपको ब्लॉग कैसा लगता है। तो चलो मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।